जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक फिर एक नए तथ्य, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। डे बाय डे कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनव्वर राणा का एक लाइन पेश करना चाहता हूं, मुझे वो लाइन जहन से निकल रहा है। आज इस पवित्र बंधन के अवसर पर कि मुनव्वर राणा का वो लाइन है कि किसी के जख्म पर चाहत सी पट्टी कौन बांधेगा, कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है आप सभी को। आप जाके देख लीजिए, कम जितने सारे प्रीवियस पेपर है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, जिसमें ये पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए है, और आप लोग नोट करते चलिए। आज हम पढ़ेंगे दे 20। आज 20वां टॉपिक, 20वां दिन आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं इस पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछता है, कि कौन से पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, ठीक है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, ठीक है। ये उद्देश्य पूछते हैं, चाहे उस योजना में क्या हुआ था, ठीक है, कौन से मॉडल पे आधारित था। तो ये पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, आप लोग देख लीजिए। और आज हम लेके ही आए हैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोड़ दीजिए सब कुछ छोड़ दीजिए, अब नया तरीके से पढ़िए। नहीं पढ़िएगा रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम अब दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ गया भाई मेरे, बहुत नजदीक। और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा कोई काम नहीं धाम, कोई कुछ नहीं होने वाला। नहीं पढ़िए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजना मत बनाइए, 5 साल की योजना मत बनाइए, 1 साल में कंप्लीट कीजिए। 5 साल के लिए तो भारत सरकार है ये योजना बनाने के लिए, आप क्यों बना रहे पंचवर्षीय योजना। जी हमारे गुरुजी कहा करते थे, पढ़ना है तो साल भर में कंटिन्यू क्लियर करो, अन्यथा पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। ये पंचवर्षीय योजना जो बना के रखे हैं, 5 साल में वैकेंसी आएगा तो निकालेंगे, नहीं, हम तैयार पहले से रहेंगे, ठीक है। तो आज आते हैं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना का आज हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना, जो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था, वो हुआ था 1951 से लेके 1956 के बीच में। इसका अंतराल सन 1947 में भारत जब आजाद हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने, कौन बने, मतलब उसी समय से बने, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पहले बनते हैं। और उन्होंने देखा कि भारत में सबसे ज्यादा, भारत एक, जैसा कि आप जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि को सशक्त बनाना, कृषि को अच्छा ढंग से, मतलब अच्छे रूप में प्रस्तुत करना भारत के लिए, ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। तो कृषि को मजबूत बनाने के लिए ये पहला कदम भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 56 के बीच में हुआ था, और इस पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि पर दी गई थी। तो क्वेश्चन भाई साहब ऐसे पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, किस तथ्य पे ज्यादा जोर दिया गया, तो याद रखिएगा कृषि। और जब कृषि होगा तो कृषि किससे होगा, तो सिंचाई से। तो जितने सारे बहुद्देशीय परियोजना है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, गोदावरी परियोजना, यमुना नदी कैनाल, बैराज, ये सब जो बना, नहर, जो सिंचाई पर ज्यादातर ध्यान दिया गया, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। तो क्वेश्चन यहीं से रहेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि थी, और ये थे कौन से मॉडल पर आधारित थे, तो हेरोल्ड और डोमर। ये जो आपको हेरोल्ड और डोभर मॉडल दिख रहा है ऊपर में, देखिए, हेरोल्ड और डोभर मॉडल, ये महानुभाव, ब्रिटिश महानुभाव थे, बहुत विख्यात इकोनॉमिस्ट थे, जिन्हीं के आधार पर ये प्रथम
क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। द्वितीय, अब आते हैं दूसरा, दूसरा लागू हुआ था 56 के बाद, मतलब 56 से 61 पांच साल के लिए, ठीक है। और इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया कि कृषि के बाद अब हम कृषि को मजबूत किए तो अब हम औद्योगिक को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे। तो जितने सारे बोकारो स्टील फैक्ट्री, चाहे राउरकेला, जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर के अंतर्गत बनाए गए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी औद्योगिकरण, और इस ये जो मॉडल थे, ये जो पंचवर्षीय योजना थे, ये पीसी महालनोबिस के आधार पर था। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत बड़े विख्यात भारत के अर्थशास्त्री थे, ये इनको आप सभी आदमी जानते होंगे। तो ये इन पर आधारित ये द्वितीय क्या था, पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा, प्रथम हेरोल्ड डोमर मॉडल और द्वितीय पीसी महालनोबिस, ठीक है। और तृतीय, अगला आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 तक, पांच साल के लिए। और इस पर अब जोर दिया गया अर्थव्यवस्था पर, क्या जोर दिया गया, अर्थव्यवस्था, व्यापार वाणिज्य पे जोर दिया गया। पहला कृषि, दूसरा औद्योगिक, और तीसरा अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, ये था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि हरित क्रांति का जन्म इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ई भाई साहब को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को भारत, पूरा विश्व का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को, इन भाई साहब को, इन मतलब इन महानुभाव को भाई साहब बोला गया है, महानुभाव, विख्यात, सबसे प्रसिद्ध, कौन, ये एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है, क्या है अगला है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला हेरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस, और तीसरा जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद कुछ दिनों के लिए योजना अवकाश हो जाते हैं, मतलब पंचवर्षीय योजना थोड़ा दिन के लिए ठप हो जाता है। तो एक योजना अवकाश, मतलब दो साल के लिए कुछ योजना बनाया जाता है, जिसमें 1966 से 1969 तक क्या हुआ, इनका समय रहा 1966 से 1969 तक। इस पर क्या जोर दिया गया, तो उद्योग के बारे में जोर दिया गया। ये योजना अवकाश इसलिए लाया गया कि सन 1965-66 के बाद आपको युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, उससे पहले भारत चाइना युद्ध हुआ, उसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ, तो भारत पाक संघर्ष के कारण, फिर कुछ सूखा आ जाने के कारण, ये योजना को यहीं पर ठप करना पड़ गया। और योजना ठप करने के बाद भारत सरकार ने दो साल के लिए, तीन साल के लिए योजना अवकाश क्या किया, घोषणा किया। और इस मतलब मेन कारण क्या हुआ, भारत पाक संघर्ष और सूखा के कारण योजना अवकाश को ठप करना पड़ गया, ठीक है। अब आते हैं चौथा, गर्मियों बहुत लग रहा है, गर्मी नहीं लगेगा तो फिर कैसे होगा, गर्मी के दिन गर्मी, ठंडा के दिन ठंडा, ये तो हमारे भारत की, भारत का वातावरण है कि हम सबसे बहुत महान जगह पर रहते हैं कि चारों सभी ऋतुएं यहां पाई जाती हैं, गर्मी जारा ठंडा बरसात। तो अब आगे आते हैं चौथा जो पंचवर्षीय योजना थे, चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में, योजना अवकाश 1966 से 1969, अब योजना अवकाश खत्म, अगला आता है चौथा पंचवर्षीय योजना। और इसमें जोर दिया गया आत्मनिर्भरता पर, हम अपना आप को मजबूत करें, हम आत्मनिर्भरता पर भारत सरकार ने जोर दिया कि हर एक आदमी अपने, मतलब हर एक आदमी अपने में सक्षम हो, अपने आय को बढ़ाने से अपने अपने व्यापार को बढ़ाना, मतलब आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ये जो थे, ये जो मॉडल थे, ये जो चौथा पंचवर्षीय योजना, ये डीआर गाडगिल मॉडल, जी हां, यही डीआर गाडगिल मॉडल, यही महानुभाव के
इन्हीं महानुभाव के मॉडल पर ये चौथा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ डीआर गाडगिल मॉडल। तो याद रखिएगा कि चौथा पंचवर्षीय योजना आधारित किस पर था, तो डीआर गाडगिल। अगला आते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना, 74 के बाद फिर 5 जोड़ लीजिए, तो 74 से 79, ठीक है, 74 से 79, 1974 से 1979। इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन। और इसी समय ये जो पांचवा देख रहे हैं, ये पांचवा के ही समय में इंदिरा गांधी के सरकार था, उसी समय एक नारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा, आप लोग लिख लीजिए, गरीबी हटाओ का नारा सन 1971 में दिया गया था आम चुनाव जब मतलब लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1971 में। पंचवर्षीय योजना में इसी चीज को ध्यान दिया गया, इसी चीज पर ध्यान दिया गया कि गरीबी उन्मूलन करना है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या प्रमुख नारा था, गरीबी हटाओ का नारा। खैर पांचवा योजना चला नहीं, 1974 से 1979 तक रहा, लेकिन 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1978 में समाप्त कर दिया गया, क्यों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार पलट जाती है और आ जाती है जनता पार्टी का सरकार। तो जनता पार्टी के सरकार में मोरारजी देसाई ने, जी हां मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये मोरारजी देसाई जो थे इन्होंने ही अनवरत योजना, यहां से पंचवर्षीय योजना खत्म कुछ दिन के लिए, अनवरत योजना स्टार्ट किए। तो अनवरत योजना 1978 से 1980 तक चला 2 साल के लिए, ठीक है। और इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि शराब बंदी और जन वितरण प्रणाली अनवरत योजना के अंतर्गत मोरारजी देसाई द्वारा चलाया गया, ठीक है। उस समय जनता पार्टी का सरकार था, तो याद रखिएगा उस समय क्या हुआ था, शराबबंदी और जन वितरण प्रणाली। कितना पसीना चल रहा है, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, चाहे आप करिए या हम करिए, दोनों आदमी मेहनत कीजिए, बड़ा मजा आएगा। पिछला वीडियो का व्यू मेरा बहुत बढ़िया गया, इसके लिए बहुत बहुत सभी के लिए सभी को धन्यवाद। इस बार का भी वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, और इस बार कम से कम तो 1000 लाइक होना चाहिए, व्यू कम से कम 5 से 10 हजार होना चाहिए। आप सभी से निवेदन करते हैं हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, बढ़िया ढंग से आपके बहुत फायदेमंद साबित होगा भाई। चलिए अब अनवरत योजना जनता पार्टी द्वारा, जनता पार्टी का सरकार खत्म, फिर गांधी इंदिरा गांधी जी आ जाते हैं। जब इंदिरा गांधी जी आ जाते हैं तो फिर छठा पंचवर्षीय योजना आता है। क्या आता है भाई साहब, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में, और इसमें जोर दिया गया रोजगार सृजन, हर एक आदमी को रोजगार मिलेगा, ये प्राथमिकता था छठी पंचवर्षीय योजना में। और इसी में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, गांवों को विकास कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम योजना चालू की गई। कब, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में, ठीक है। अब अगला आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, मतलब छठी 1980 से 85, 5 जोड़ दीजिए, 85 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर, छोटा छोटा व्यापार आप करिए, छोटा छोटा आप बनीजिए, छोटा छोटा फैक्ट्री लगाइए, छोटा रोजगार कीजिए, इस पर ज्यादा जोर दिया गया, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। और इसका प्रमुख नारा था, ये क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन से योजना में दिया गया, तो याद रखिएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये क्या किया गया, नारा दिया गया।
आप लोग नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा। आज 20वां टॉपिक लेके आए हैं, सभी आदमी प्लीज आप इसको नोट करते चलिए, कमेंट कीजिए अगर समझ में नहीं आएगा तो। कमेंट कीजिए समझ में नहीं आएगा तो। देखिए क्या है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख नारा था, भोजन, काम और उत्पादन। यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। अब क्या हुआ कि 90 के बाद योजना अवकाश हो गया, कुछ दिन के लिए योजना अवकाश हो गया। तो योजना अवकाश अगला हुआ 90 से 92 के बीच में। 1991 में विश्व आर्थिक मंदी हुई, भारत भी मंदी के चपेट में आया और आर्थिक संकट क्या हुआ, आर्थिक संकट से जूझना पड़ा भारत सरकार को। तो उस समय योजना अवकाश किया गया 90 से 92 के बीच में। तो याद रखिएगा ये पूरे पंचवर्षीय योजना में तीन अवकाश हुए। पहला योजना अवकाश 1966 से 69 में भारत पाक युद्ध के समय में, दूसरा अनवरत योजना 1978 से 1980 जनता पार्टी के सरकार में, और तीसरा योजना अवकाश 1991 में उदारीकरण की नीति जब लागू हुआ, आर्थिक संकट हुआ। ठीक है, अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, या 90 से 92, अब 5 साल जोड़ दीजिए, 5 वर्ष है तो 92 से 97। इसमें क्या जोर दिया गया तो याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया मानव संसाधन का विकास। मानव के लिए क्या किया जाए, कौन सा संसाधन दिया जाए ताकि उसका विकास हो, तो क्या मानव संसाधन का विकास पे जोर दिया गया। कैमी आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था, कृषि एवं विकास करना, कृषि का भी विकास करना और भारत के हर एक जनता का विकास करना। ठीक है, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय अगला आते हैं, नौवीं पंचवर्षीय 97 के बाद जोड़ दीजिए 5 गो, तो 97 से 2002। इसमें क्या हुआ, इसमें प्राथमिकता क्या दिया गया, तो न्यायपूर्ण वितरण, सभी को न्याय दिया जाए। ठीक है भाई, समानता के साथ विकास, सभी एक समान हो, ये नारा दिया गया समानता के साथ विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना इसका उद्देश्य क्या था, समानता के साथ विकास, किसमें, नौवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला आता है दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7, 5 साल और बढ़ा दीजिए। इसमें सामाजिक न्याय, समाज के तौर पर सामाजिक न्याय की प्राथमिकता दी गई और उद्देश्य रखा गया कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना किया जाए। तो यह क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से योजना में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना रखने का उद्देश्य रखा गया, तो याद रखिएगा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना किया जाए। ठीक है, ज्यादातर पूछता क्या है, योजना उसके अवकाश मतलब अवधि, और पूछते हैं प्राथमिकता, कभी कभी पूछते हैं प्रथम द्वितीय और तृतीय में कि हेरोल्ड मॉडल और पीसी महालन बोलिस और डीआर गार्डगिल कौन से योजना में, कौन से योजना पर आधारित है। ठीक है, अब आते हैं 11वीं योजना। तो 11वीं योजना 2007 से 12 के बीच में, इसमें क्या प्राथमिकता दी गई, इसमें प्राथमिकता दी गई भाई तीव्रतम, क्या है भाई, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। क्या रखा गया प्राथमिकता, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। थीम क्या था, देखिए बहुत बिजोर क्वेश्चन है भाई, ये लिख लीजिए, ये हमेशा पूछता है कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कौन से योजना में, कौन से योजना का प्रमुख थीम था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार का यह थीम रहा है कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, सभी को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करना है। कब, 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 12 के बाद जोड़ लीजिए 12, 5, 17, 2012 से लेकर 17 के बीच में। इसमें क्या था उद्देश्य, तो जितने सारे सर्वाधिक धनराशि, मतलब जितने सारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा धनराशि सामाजिक विकास में लगाना है। भारत सरकार क्या प्राथमिकता दी 12वीं पंचवर्षीय योजना में,
की सर्वाधिक राशि सामाजिक विकास में लगाना है। परंतु अब आता है ट्विस्ट, हमारे आते हैं भारत के महानुभाव प्रधानमंत्री, बहुत महानुभाव, जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इन्होंने अपना पद संभाला 2014 में, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जनवरी 1, 2015 को इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद इन्होंने एक नीति लगाया जिसे बोलते हैं नीति आयोग। मतलब पंचवर्षीय योजना को के जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापना किया है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का। तो नीति आयोग की स्थापना, याद रखिएगा, पूछता था पहले, कभी भी पूछ भी सकता है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर में, 2015 को, ठीक है। अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, इनके सब सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या उद्देश्य है, इसकी प्राथमिकता क्या था नीति आयोग की? तो नीति आयोग की प्राथमिकता थी ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण। अब हर एक ग्राम स्तर पर योजना का निर्माण किया जाएगा और उसी योजना का निर्माण कर ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ग्राम विकास किया जाएगा। आगे आते हैं, आर्थिक प्रगति से वंचित जितने सारे लोग हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद है सशक्त राष्ट्र बनाना, ये नीति आयोग की प्राथमिकता एवं उद्देश्य थे। तो याद रखिएगा, ये पंचवर्षीय योजना है जो आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट साबित करेगा और आप इसे नोट करते चलिए। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, मेरे बेल आइकॉन में वीडियो है, जाके वहां देख लीजिए। आज डे हम 20 खत्म कर रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।